औकात के बाहर लड़ तो है। जी दोस्तों, इस वीडियो का प्रोजेक्ट पैक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप इसको डाउनलोड करके लाइट मोशन पर इंपोर्ट कर लेना एंड इसमें आपको बस इमेज ऐड करना होगा। और इमेज आपको कैसे और कहां ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट लेयर पर टैप करेंगे एंड इसमें एक इमेज ऐड करना होगा। ये इमेज आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। तो इमेज ऐड करने के लिए कलर एंड फिल पर टैप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको इमेज और वीडियो शो होने लगेंगी। आपको जो भी इमेज ऐड करना होगा वो यहाँ से ऐड कर लेना। एंड अब ग्रुप वन पर टैप करेंगे, फिर एडिट ग्रुप पर जाएंगे और इस ग्रुप में मैंने 9 इमेज को ऐड किया है जिसमें मैंने की फ्रेम ऐड करके इमेज को मूव किया है। तो गाइज, आपको इन लेयर में भी इमेज को ऐड करना होगा और इमेज ऐड करने के लिए वही वाला प्रोसेस फॉलो करना है। कलर एंड फिल में जाएंगे, फिर यहाँ पर टैप करेंगे और इमेज ऐड कर लेंगे। इसी तरह से आपको सभी लेयर में इमेज ऐड कर लेना है। एंड अब सेकंड ग्रुप पर टैप करेंगे, फिर एडिट ग्रुप पर जाएंगे और इस ग्रुप में मैंने 6 इमेज को ऐड किया है। आपको इन सभी लेयर में भी इमेज ऐड कर लेना है तो अलाइट मोशन का काम पूरा होता है। अगर आप चाहें तो अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार वीडियो को यहीं पर पूरा कर सकते हैं। मैंने सारे मार्क सेट कर दिए हैं तो आप देख लेना। एंड कोने में एरो का आइकन शो हो रहा होगा, उसी पर टैप करेंगे और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद इसी वीडियो कैपकट पर इंपोर्ट करेंगे, फिर एक्सट्रैक्ट ऑडियो करेंगे एंड इसको म्यूट कर लेंगे। इसके बाद इसी म्यूजिक पर टैप करेंगे, फिर बीट्स पर जाएंगे, ऑटो जनरेट को इनेबल करेंगे एंड इसको फास्ट कर लेंगे। इसके बाद हमको यहाँ से आगे के सारे मार्क इस तरह से हटा लेंगे। आप इनको ऐसे ही रहने दे सकते हैं लेकिन मैं इनको हटा लूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एंड अब फर्स्ट मार्क में चलेंगे, फिर वीडियो पर टैप करेंगे और इसको स्प्लिट करके एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद प्लस के आइकन पर टैप करेंगे और यहाँ से हमको 6 वीडियो ऐड करना है। अब अपनी वीडियो सिलेक्ट करके ऐड कर लेना या जिसके लिए भी वीडियो बनाना चाहते हैं उसकी वीडियो ऐड कर लेना। इसके बाद इन सभी लेयर को एक एक मार्क पर सेट कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। एंड अब किसी एक लेयर पर टैप करेंगे, फिर इसको स्क्रॉल करके बेसिक पर जाएंगे और इसमें हमको 2 की फ्रेम ऐड करना है, एक की स्टार्टिंग में और एक की इसी लेयर के एंड में। फिर इसको इस तरह से जूम करेंगे, फिर ग्राफ पर जाएंगे और इसमें इज आउट वन वाला ग्राफ ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें सभी लेयर में की फ्रेम ऐड करना है और सभी को जूम करके इज आउट वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। तो गाइज, मैंने सभी लेयर को एडजस्ट कर लिया है एंड अब इसमें ट्रांजिशन लगाएंगे। तो इसके लिए किसी एक कट पर टैप करेंगे, फिर ब्लैक फेड वाला ट्रांजिशन ऐड करेंगे, टाइमिंग को 0.3 मिली सेकेंड रखेंगे एंड इसको अप्लाई टू ऑल कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिक सभी कट पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम इफेक्ट में जाएंगे, फिर वीडियो इफेक्ट पर जाएंगे और ये वाला इफेक्ट ऐड करेंगे। फिल्टर को पूरा माइनस कर देंगे और इस इफेक्ट को इस तरह से खींचकर इसकी लेंथ को फुल वीडियो में रखेंगे। और हाँ, इसमें मैंने एक और इफेक्ट ऐड किया है, वाटर ड्रॉप वाला, एंड इसकी स्पीड को पूरा माइनस कर लिया है। इसके बाद फिर से वीडियो इफेक्ट पर जाएंगे, फिर रेट्रो पर जाएंगे और इसमें हमको नॉइस 2 वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है और इस इफेक्ट को भी हम वीडियो के एंड तक रखेंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं इफेक्ट ठीक से ऐड हुआ है या नहीं। तो ये ठीक से सेट नहीं हुआ है। इसको सेट करने के लिए इसी इफेक्ट पर टैप करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पर जाएंगे
एंड इसको ऑल वीडियोस पर सेट कर लेंगे। ओके, तो अब वीडियो को प्ले कर लेते हैं। तो गाइज इफेक्ट सेट हो चुका है एंड वीडियो और लड़की दोनों ही बड़े प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको भी लड़की प्यारी लग रही है तो कमेंट में बता देना दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बनाया गया है। ओके, तो अब वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे एंड वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, आप अपनी लोकेशन कमेंट कर दें, मुझे भी तो पता लगे मेरी वीडियो कहाँ कहाँ भटक रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।